गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज सफिया का प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं और ये अभी मतलब बेस रेडी कर रहे हैं। अभी इतना रेडी नहीं है, बस थर्माकोल को हम लोगों ने कट किया है। बात हो गई कि सफिया ग्लू लाना भूल गई हैं, तो अब सफिया जाएंगी ग्लू लाने, क्योंकि कल तो ग्लू ख़त्म हो गया था। कि हम लोग ये स्टिक करेंगे और हम लोग दिखाएंगे कि कितने दिन में ये साइंस प्रोजेक्ट बन के रेडी होता है, वो भी वर्किंग प्रोजेक्ट रहेगा। ये इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो पसंद आए या ना आए, आप लोगों को लाइक करना है और सब्सक्राइब करके रख लेना है मेरी और वीडियोस के लिए। और मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी कि कितने दिन में ये साइंस प्रोजेक्ट बन के रेडी होता है, वर्किंग साइंस प्रोजेक्ट कितने दिन में बन के रेडी होगा। सफिया अभी ग्लू लेने गई हुई हैं, जब तक हम लोग अपनी नॉवल पढ़ते हैं। तो गाइस, ये हार्ड बोर्ड में हम लोगों ने थर्माकोल स्टिक कर लिया है, इसका बेस हम लोगों ने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर ग्रीन लगाएंगे और आधे साइड ब्राउन लगाएंगे ना, तो इसके आगे की बात हम लोग बाद में बताएंगे। इतना बन चुका है, और एक साइड हम लोग एक साइड गार्डन टाइप का लगेगा और एक साइड कचरा वचूरा टाइप पॉल्यूशन। अभी आगे पता चलता रहेगा आप लोगों को कैसा बना है। हम लोगों का डैम बन के रेडी हो गया, और ये पानी और ये हैं, आप लोग से मिलवा दें। ये हम लोगों की प्रोजेक्ट की पहली मेंबर मिस लैला छम छम करते आई पानी पीने। फिलहाल अभी नदी का पहला पानी पीने वाली सही बात, हम लोगों की नदी का पहला पानी पीने वाली मिस लैला। और अभी ये भी उनकी मतलब फ्रेंड है, लेकिन इनको मगर अभी इनको बाहर रखा गया है, अभी ये घूम रही है, प्यास नहीं लगी। खुश मेरी क्यूटी पाई, मेरा दिल छोटा सा, ये बहुत क्यूटी पाई है इसका। इसके जो फादर हैं वो तो और क्यूटी पाए हैं। अरे 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 अरे, कटौनी मिलनी बनेगी क्या तू? हाँ, तुम मौजा ही बने रहो, कटौनी नहीं बनो, कटौनी गंदे बच्चे बनते। मैं फिर से जा रही हूँ पीर कामिल पढ़ने। मैं अगर फ्री टाइम में ज़्यादातर अब नावल पढ़ती हूँ, और मैं अभी पढ़ रही हूँ फ़िलहाल पीर कामिल। और मेरा मैंने यहाँ तक पढ़ा है, मतलब ये मेरा निशान है, येलो कलर, जुगनू कलर, नियॉन कलर। और आप लोग कौन सी नावल पढ़ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, कौन सी उर्दू वाली नावल, या कोई सी भी उर्दू, ज़रूरी नहीं उर्दू नावल, कोई सी भी नावल पढ़ रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी वो पढ़ूँगी इंशाल्लाह। तो मैं जा रही हूँ ये पढ़ने। ओह गाइस, सफिया ने बनाया है चिली पोटैटो। बट इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट अच्छा ही लगेगा एक हिसाब से।
टेस्टी तो लग रहा है, खा के देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस मुझे ये भी न्यूज़ देना था कि मैं अब डेली व्लॉग्स बनाऊंगी, कुछ कुछ दिन में आते रहेंगे क्योंकि एडिटिंग में टाइम लगता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय व्लॉग्स। और मेरी व्लॉग्स भी बहुत सारे आने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज व्लॉग भी आने वाला है और मज़ेदार होने वाला है। Stay tuned. Bye. Love you.